नहीं गिर ना जाए इतना देखना हल्का सा है तो ऐसा ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं, 3-4 दिन के बाद कैमरे के सामने आए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अदा करे। तो गाइज आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो जो व्लॉग है वो इस तरह है कि आपको पता है सर्दियों में धूप की बहुत ज़रूरत होती है, सख्त ज़रूरत होती है। सर्दियों में धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि हमारे घर में बिल्कुल भी धूप नहीं होती है। एक तो मतलब बरामदे हैं, बरामदों की शेड है इस वजह से, और दूसरा ये है कि इतने सारे साथ साथ घर है ना, ऊंचे ऊंचे, इस वजह से धूप नहीं निकलती है। थोड़ा सा हिस्सा बचा है वहाँ पे हैं दरख्त, वहाँ से भी मतलब बसूर जाता है तो आगे छांव आ जाती है। तो आज के व्लॉग में हमने यही शेयर करना है, हम दरख्त काटने लगे हैं जहाँ से धूप मतलब आए, घर में इंटर हो सके, इंटर हो, और मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी धूप लगती है, हमारे घर में लगती नहीं है बिल्कुल भी धूप। तो आज हम आपको दिखाते हैं जो हमारे घर में दरख्त हैं वो हम काटने जा रहे हैं, तो यही आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दरख्त काटने से पहले मैं आप लोगों को ना चारों तरफ से व्यू दिखाता हूँ कितना मज़े का है, और दरख्त दिखाता हूँ जो काटने हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जब से मैंने स्टार्ट किया ना इनके साथ व्लॉगिंग, मुझे तकरीबन 10 वीडियो हो चुकी हैं। तो पहले ये अकेले होते थे, लेकिन अब जो मज़ा भी ज़्यादा आ रहा है वीडियो बनाने का, तो व्लॉग बनाने का, बाहर आते जाते हैं, ये भी खुश है क्योंकि इनको यही था कि मैं इनके साथ रहूँ, तो फिर व्लॉग जो है ना मज़े के बनेंगे। तो पहले मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं आ सकता, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पक्का पक्का इनके साथ रहूँगा। तो पहले से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमारी वीडियो के व्यूज़ जो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पहले तो नहीं आते, लेकिन कुछ बेहतर हो गया। तो सब्सक्राइबर भी ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी फैमिली ज़्यादा आ रही है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे ही है, पहले मैं अकेली थी और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, और अकेले वीडियो बनाती मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने जब भी वीडियो बनानी, मैंने कहा मेरे साथ आप आएँ, आप कब आएंगे मेरे साथ, मतलब देखें जोड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं अकेली होती थी। और मुझे कमेंट्स में कहा भी था किसी ने कि आप मतलब अपने हस्बैंड के साथ आप वीडियो बनाया करें, तब इनके कुछ थी मजबूरी, ये नहीं आ सकते थे, तो मैंने इन्हें बहुत फोर्स किया, अब मेरे नहीं मतलब इनका खुद का माइंड किया, तो ये इन्होंने कहा चले ठीक है मैं आपके साथ बनाता हूँ वीडियो। और माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमारे देखने वाले अब जो है हमारी फैमिली ज़्यादा होती जा रही है, और प्लीज़ इस तरह मज़ीद हमारी सपोर्ट करें आप लोग हमारे चैनल को जल्द, ताकि हमारा जल्द चैनल जो है वो ग्रो करे। तो चले जी, मैं आप लोगों को दरख्त दिखाता हूँ जो काटने हैं, तो व्यू दिखाता हूँ देखे। हाँ जी, ये वाले दरख्त हैं जो मैंने काटने, देखे इनकी छाए बहुत ज़्यादा है, तो इतने बड़े हो चुके हैं वो ऊपर तक। देखिए यहाँ से इधर साथ तो ये घर है, यहाँ से भी मतलब जो है वो धूप नहीं आ सकती, इधर ये हिस्सा इतना है हमारे जो मेन गेट है यहाँ से, क्योंकि इस साइड से सूरज निकलना हाँ होता है, तो वो ऐसे सारा सुबह सुबह धूप मजे की, सुबह सुबह धूप निकलती है, और यहीं पर ये मतलब आगे दरख्त है ना, तो धूप आती है, और जिस साइड से धूप नहीं आने वाला है वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया हुआ, धूप आगे इनको सोने नहीं देती, तो हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, हमने कहा चले आप लोगों से आइए शेयर कर लेते हैं। और ये देखिए, ये मैं लेके आया हूँ तकरीबन, तो मुझे 2-3 घंटे हो चुके मैं लेके आया था, तो यहाँ पे मैंने रख दी, तो मैंने कहा जब वीडियो बनाएंगे तब इसे उठा लेंगे। तो अभी ये आप देखिए सूरज इस साइड पे हुआ खड़ा है। हाँ जी, चले मैं आप लोगों को दरख्त दिखाता हूँ छत पे चढ़ के। तो छत पे आके देखें तो कुछ इस तरह दरख्त लगते हैं, ये देखें बड़े बड़े हो चुके हैं। अब दूसरी साइड से दिखाऊं तो इस तरह नजर आते हैं, ये नजदीक से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखे काफी बड़े हो चुके हैं। छत पे खड़े होकर देखे व्यू कुछ इस तरह का आता है, देखे कितने मजे का है। तो व्यू मैंने आपको दिखा दिया, चारों तरफ दरख्त भी दिखा दिया, अभी इनके जो दरख्त के जो टीनियाँ वगैरह हैं वो मैंने काटी नहीं, ठीक है देखा आपने, तो अभी काटते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कैसा होता है, देखें।
हाँ यहाँ से तो ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा। चल छत जी, तो अब हम जा रहे हैं छत पे। नीचे से जो काटे नहीं जाएंगे, यहाँ से जो है ना बड़े ही मजे से आसानी से मैं काट सकता हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से जो है ना काट सकता हूँ। ये देखें जी, तो आप लोग देख सकते हैं एक दरख्त हमने गंजा कर दिया है क्या ना, तो ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा वो नहीं काटा। हाँ अब ठीक है। एक जो है फनी हमने काट लिया है, ये देखिए। अब उस बेचारे की शामत आ गई। इतने घने हैं ये माशाल्लाह, धूप जो है बिल्कुल भी नहीं लगती थी। तो नहीं गिर ना जाए इतना देखना हल्का सा है, तो ऐसा ना हो के मैं तो कहती हूँ उधर सीढ़ियों से ही आ जाए। जी तो अब आ रहे हैं नीचे। ऐसे लग रही खाली खाली, अब खाली खाली घर लगेगा। बड़ी रौनक होती वैसे दरख्तों की। ये देखिए जी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी अंगूरों की बेल जो थी, और कुछ जो है हमने मशरूम के ऊपर चढ़ा दी थी। और देखिए वहाँ तक पहुँच गई है, और उसके बाद ये देखें ये जा रही इधर वहाँ तक। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो अब आपको पता है सर्दियां हैं, इसके जो मतलब पत्ते थे वो गिर गए। और चलें जी देखें, सारे जो है मैंने काट लिए, तो अब इनका नक्शा देखें कैसा हो गया पहले से अब कैसे है। अब जो धूप जो सही आएगी, जल्दी इनको उठा कुछ रखें। अब्दुलादी क्या खा रहे हो आज? अब्दुलादी को बुखार है, रात का बुखार तो है वैसे,
तो रात दवाई भी लेके आए तो बुखार जो है ना नहीं उतरा सही तरह से। यहाँ पे अब्दुल्ला को कपड़े छपड़े पहना दिए गए हैं। यहाँ पे अब्दुल हादी जो वो भी काम कर रहा है, इसकी तबीयत खराब है, तो मैंने कहा चले यार थोड़ा बहुत जो है ना इसका मूड सेट हो जाए। ऐसे आ जा वापस आ जा। यहाँ पे बेगम साहब जो वो कमरों में बर्तन कट हाँ जी, कभी उस कमरे में कभी तीन कमरे, उस कमरे में इस कमरे में कभी इस कमरे में। ये तो हमारा कमरा है। अब्दुल हादी इधर आ, मैं तुझे बाहर आज देखो जितने थोड़े से बर्तन हैं। आज दोपहर को जो है मतलब थोड़े से बर्तन खराब हो गए थे, क्योंकि आज हमने दोपहर को चाय बनाई थी और आज भी क्रिएटिविटी की बीड़ी ने उसका मूर्ति जो है वो भी बिगड़ा हुआ है। खड़ा हमारे पास ही अब्दुल हादी, ये देखे खड़ा इधर ही होगा, गया वो भी कहीं नहीं। बेगम ने जो अपने बर्तन वो सारे साफ कर लिए हैं। चलें जी उठा ले। यहाँ पे बेगम जो वो बर्तनों के बाद इसे साफ करना जरूरी होता है। बच्चे जो है बच्चे मारे आते मिनट बाद। और ये देखिए इनका काम, जहाँ पे अब्दुल हादी चढ़ा हुआ है, ये जो है हमारा प्लास्टर का टब बना हुआ, इसके ऊपर खड़े होकर यहाँ पे वो धोते हैं। काम देखें, ये नीचे ये हमारा है प्लास्टर का टब, इसके ऊपर खड़े होकर यहाँ पे उन्होंने बेसन पे ऐसे ये एक तो ये बेगम साहब जो अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी था तो बेगम ने कहा अभी मैं ये साफ कर लूँ। शाम जो है वो भी हो गई है और काम भी हमारे शाम भी सब बना चुके हैं। सब ज़्यादा हम लोग जी
सूरज जो वो बिल्कुल गुरूब हो चुका है, देखें वो सामने। तो मौसम जो है ना बड़ा ही मज़े का बना हुआ है, बारिश तो खैर नहीं आती। तो अब टाइम हो चुका है खाने का, अब्दुलादी ना मार यार। चलें ठीक है, वीडियो को एंड करें जी। तो शाम जो है वो होने वाली है और हमारा जो है शाम का खाना वो भी तैयार हो गया है। तो जी यहाँ पे ये देखकर तैयार हो चुका है ये। हाँ जी बिल्कुल। अभी जो है शाम का खाना शाना खाते हैं, भूख जो है बुरी लगी हुई, आज हमने दोपहर का खाना नहीं खाया जी। तो आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं, इससे पहले इन दोनों की जो है वो लड़ाई शुरू हो जाए। ये मारते हैं अब्दुल हादी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।